हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर पार्टनर्स फीलिंग और दे आर थिंकिंग और दे आर फीलिंग राइट नाउ करंटली। एंड और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। सो लेट स्टार्ट योर रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। सो लेट सी के मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए कैंसर्स। द लवर, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, सॉरी टू ऑफ वॉन्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, टू मोर कार्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। अंडरनीथ आपके पास है फाइव ऑफ कप्स। सो आप के जो पार्टनर हैं, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं। हो सकता है मनी के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर फाइनेंसेस को अपनी मैनेज करने में उनका ज़्यादा ध्यान है। और इस वक्त वो अपनी लव लाइफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और उन्होंने अपनी लव लाइफ के का एक डिसीजन लिया हुआ है जो कि कोई डिसअपॉइंटमेंट है उनके साथ। हो सकता है लव में उनको जो इमोशनल उनकी लाइफ है उसमें उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट कर रहे हैं वो किसी चीज़ के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बिज़ी किया हुआ है इस सिचुएशन से, अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने काम में और अपने वर्क में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई नया बिज़नेस शुरू किया हो, या अगर वो ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं तो उसमें वो अपने काम को जो है वो स्पेंड करने की भी कुछ के बारे में सोच रहे हैं या किया है उन्होंने। और लेकिन अगर स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको लैक ऑफ मनी का सामना करना पड़ेगा। लाइक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है इस टाइम उनकी, तो इसमें उनको थोड़ा लैक हो सकता है। लेकिन लव लाइफ के हवाले से वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। और वो अगर आपके साथ उनका कनेक्शन पहले कभी बहुत ज़्यादा डीप था या अच्छा था, तो वो अभी भी डीपली उस रिलेशनशिप के हवाले से सोचते हैं और इस रिलेशनशिप को एक सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, तभी उन्होंने जो डिसीजन है हो सकता है पेंडिंग पे रखा हो, या ये डिसीजन लिया हो कि अगर सिचुएशन सही नहीं चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट्स हैं उसमें, तो अभी वो फ़िलहाल इस इमोशनल साइड को, अपनी जो इमोशनल लाइफ है उसे एक साइड पे रख कर वो अपने काम को ज़्यादा सोच, उस काम के हवाले से ज़्यादा सोच रहे हैं और काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और हो सकता है फाइनेंशियली वो थोड़े फाइनेंशियली उनकी थोड़ी अच्छी बनी हो, लाइक गेन एंड लॉस का भी कुछ मामला चल सकता है उनके साथ। अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, किसी अच्छी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने लाइक अपने फाइनेंसेस को सिक्योर बनाने के लिए कुछ हो सकता है वो कर रहे हों, या अगर आपका और आपके पर्सन का, या फिर वो अपने घर को, आप इस लाइफ को, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी देने के लिए आप लोगों की, हो सकता है आप लोग एक साथ इसलिए ना हो कि आप लोगों की फाइनेंशियल लैक हो और कोई स्टेबिलिटी नहीं है, लाइक होम की स्टेबिलिटी नहीं है, घर के हवाले से फाइनेंसेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है शायद। आप लोग अगर वो पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो वो पर्सन घर बनाना चाहते हैं, तो उसके हवाले से हो सकता है वो फाइनेंसेस को गैदर कर रहे हों और मतलब फाइनेंसेस इकट्ठा कर रहे हों उसके हवाले से। अब ये मैरिड कपल्स की बात है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं भी तो भी आप
कल की जो लव सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से वो मैरिज कमिटमेंट में लेकर जाने के लिए इस रिलेशनशिप को, उन्हें अभी भी फाइनेंसिस की ही ज़रूरत होगी। हो सकता है लाइक वो पहले अपना घर बनाना चाहते हो, उसके बाद फिर कोई आपसे आपको एक प्रॉमिस दे कि वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा अभी उन्होंने अपनी लव लाइफ को एक पेंडिंग साइड पर रखा हुआ है, एक डिसीजन लिया है, आपसे ही वो अपना सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं और आपके साथ ही वो एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं। कैंसर लाइक इस लव कनेक्शन को मैरिज कनेक्शन में, एक स्टेबल कनेक्शन में बदलना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन है। लेकिन अभी फाइनेंसेस थोड़े जो हैं हो सकता है इस सिचुएशन में ना हो कि वो एक इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, तो थोड़ी इस वजह से भी आप लोगों के दरमियान डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, ब्रेकअप भी हो सकता है, नो टॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि एक पर्सन जो है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है और दूसरा पर्सन अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाए लेकर जाए। तो इसलिए आपकी जो लव लाइफ है अभी वो पेंडिंग पे गई है आपके पर्सन की तरफ से, उन्होंने इसको पेंडिंग पे रखा हुआ है। सो कैंसर्स, ये थी आपकी पार्टनर की रीडिंग। फिलहाल ये एनर्जी है क्योंकि ये करंट एनर्जी है तो ये अभी एक जैसी नहीं रहेगी, अरे अभी की एनर्जी है तो नेक्स्ट टाइम जो एनर्जीज होंगी वो थोड़ी हो सकता है डिफरेंट हो आपके लिए, कुछ अच्छा आपके लिए, कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है। तो आप प्रे करें अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ़ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।